मुझे नहीं लगता वो लड़की झूठ बोल रही थी। उसे अनूप की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता था। कुछ नहीं पता था उसे, इट्स अ सुसाइड। पंकज लड़क के आत्महत्या करी है उसने। अरे वो अपनी बातें जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, और करती भी कैसे, कितने सेंसलेस बातें कर रही थी वो, कि माहिर और बेला को अलग करना है, किसी लेडी की आवाज सुनाई थी, अनु की मौत हो गई, एंड ऑल दिस क्रैप। हाउ टू थिंग्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दैट उस लड़की में ही गड़बड़ थी। एंड आई एम श्योर, आई एम 110% श्योर कि अनु की मौत जो है ना, वो किसी और ने, उस लड़की ने करी। हैंग ऑन, यू ट्राइंग टू से दैट कि उस घर में वापस आ गई और इसने ये सब पूरा ड्रामा किया और उसके पास सबूत था? व्हाट अबाउट दैट, वो सब बकवास था। एंडी, वो लड़की जिस सबूत के बारे में बात कर रही थी, वो फोन, वो किसी को मिला नहीं अब तक? वो फोन, फोन नहीं, एग्जैक्टली क्योंकि तुम गए थे ना फोन देखने के लिए गार्डन में, कहाँ है वो फोन? एग्जैक्टली या मुझे फोन मिला और मैंने उसमें सारे सबूत मिटा दिए। व्हाट? अरे डैड, फोन होगा तो मिलेगा ना। अरे मैं नीचे गया था फोन देखने, बट वो कुछ और शाइन कर रहा था, मुझे लगा फोन है, बट वो फोन नहीं था। आप मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे? उस लड़की ने सिर्फ ये चीजें अटेंशन पाने के लिए करी हैं। बुल्टू के अटेंशन, फिर हो सकता है उसने मेरी अटेंशन पाने के लिए करी हो। डैड, आई एम टेलिंग यू, ये लड़कियां किसी के भी साथ फिट हो जाती हैं। शट अप। इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हें उस लड़की की बातें झूठी लग रही थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी भी लड़की के बारे में तुम इतना डिसरिस्पेक्टफुली कैसे बातें कर सकते हो? Exactly. अगर वो झूठ बोल रही होती तो उसकी बातों से समझ में तो आता ना कि वो झूठ बोल रही है। माय डियर ब्रदर माहिर, अगर लड़के को झूठ पकड़ना इतना ही आसान होता ना, तो बात ही क्या होती। व्हाटएवर यू से, मैं किसी की बात में विश्वास नहीं करने वाला। एक प्राइवेट डिटेक्टिव आएगा और वही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा, बिकॉज ये इतना नॉर्मल नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और 100% कोई कुछ भी बोले, मैं बता रहा हूँ इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बेला, आंखें होते हुए अंधी मत बनो, ये पूरा खेल माहिर का ही रचा हुआ खेल है। बेला, माहिर ही असली कातिल है। उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। माहिर गलत नहीं, इसके हाथ की तलाशी ले चुकी हूँ मैं, वो निशान इसकी हथेली में नहीं, यानी माहिर वो धोखेबाज इंसान नहीं है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अन्नू का मरना, सोनल का सुनना कि कोई है जो मुझे माहिर से अलग करना चाहता है, और फिर उसका भी ऐसे मर जाना, इन सब बातों के पीछे कोई ना कोई जरूर है, मगर कौन? विक्रांत, कहीं विक्रांत और विश मिलके तो ये सब नहीं कर रहे ताकि मैं माहिर से अलग हो जाऊं? कहीं यही तो मेरे वो अपने नहीं है जो मेरे दुश्मन है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो चुकी हो तुम बेला, विक्रांत कभी ऐसा नहीं करेगा, इतने सालों से जानती हो तुम उसे, और विशाखा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या सोच रही हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही इस प्रॉब्लम का सलूशन, पीरियड। या आई एग्री, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ माहिर, मुझे लगता है तुझे ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी कुहू के बारे में सोचो, उसकी ड्यू डेट करीब आ रही है और वो बेचारी इन सारी चीजों को लेके इतनी ज्यादा परेशान है, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। I'm just gonna go and check on her. I'll come with you. इन सब चीजों से मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया। आई थिंक आई नीड टू स्लीप। बेला, आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू स्लीप स्वीटी। I will. आप जाके करिए आराम, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। All right. Are you okay? Bella, don't you think it's a little weird? Like, जो भी कुछ हो रहा है वो। I know. हम, I mean, तुम और मैं, हम दोनों एक साथ हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई है जो हमें अलग करना चाहता है। इतनी तुम्हारे बीच में नजदीकियां है भी नहीं जितना कोई इनसिक्योर हो रहा है हमारी नजदीकियों से। और आप इस बात पे खुश हो रहे हैं? क्योंकि इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी होप है फॉर अस। एनीवेज, तुम कुछ प्लान कर रही थी, आई गेट द फीलिंग। या वो एक्चुअली इट्स ओके, आई नो तुम नहीं बोलोगी, तुम तभी बताओगी जब तुम जाओगी। मैं
समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारी आदतों को जानता हूँ अच्छी तरह। माहिर जी, मैं नहीं बता सकती आपको कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, लेकिन कुछ और है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जिस पे मुझे यकीन है। किस पे? होप पे, होप फॉर अस। तुमसे कुछ बात करनी थी। वो लड़की, सब तो तुम इंसानी रूप ले रहे हो, उन सबसे इतनी नफरत करने के बाद, उन्हें इतना भला बुरा कहने के बाद, अब तुम उनके जैसे बन रहे हो। हुँ? नहीं, मैं इंसानों की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ही कहते हैं ना कि गंदगी मिटाने के लिए गंदगी में उतरना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के इस इंसानी लिबास को पहना है ताकि मैं इंसानों के इस्तेमाल तुम्हारे सामने ला सकूं, तुम्हें बता सकूं कि ये लोग कितने शातिर हैं। हो सकता है तब जाकर तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख लेगा? कहीं तुम्हें ये इंसानी रूप अच्छा तो नहीं लगने लग गया है? तो सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुम मेरे कमरे में आए। मेरे नजदीक आने की कोशिश मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। कहीं इस मायर ने तुम्हें मेरे कमरे में लाते तो नहीं देख लिया है? नहीं, मैं बस ये पूछने जा रही थी कि वो लड़की सोनल का क्या हुआ। मुझे क्या पता, लेकिन सच को तो बड़ी अजीब लड़की थी। उसका आना भी अजीब था, उसका जाना भी अजीब था। देखो रोही, मैं इसलिए कहता हूँ कि इन इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ किसी ना किसी मकसद से करते हैं, और इनका सबसे बड़ा मकसद है हमें नुकसान पहुंचाना। तुम ये बात मानती हो ना? क्या कर रही है बेला, ये तो इसका दायां हाथ है, वो निशान बाएं हाथ में ढूंढना है। रूही? हाँ, क्या हुआ? तुमने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कहीं मैं कुछ गलत ना समझ बैठू? नहीं, तुम बहुत परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों को क्यों देख रही हो? मेरी आंखों में देखो, मेरी ओर देखो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जानता हूं मैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे हाथों में क्या देख रही थी। रूही, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो। निशाने ढूंढ रही हूँ। मांडी जो कहा था वो याद आ गया मुझे। उन्होंने कहा था हाथ पे कोई निशान होगा, उसी को ढूंढना है, और मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत, इसलिए। जिस बुढ़िया नागरानी माँ ने जिस परीक्षा की बात की थी, मेरी वो निशानी बता दी उसने वो रूही को, फिर तो मैं बाल बाल बच गया आज। मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत, इसलिए तुम्हें लगा कि वो निशान मेरे हाथों में होगा। रूही, 100 सालों तक हजारों बार तुमने मेरे हाथों की लकीरों में अपने प्यार को देखा, और आज तुम मुझ पे शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही हूँ, अपनी दिल की तसल्ली के लिए देख रही थी विक्रांत, क्योंकि मुझे सच में नहीं याद है वो निशान है। निशान नहीं, चोट। अपनी बातों से तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो।